जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कल बता दिया था कि तुर्की का चेहरा सामने आ गया है। तुर्की अब निष्पक्ष नहीं रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में अब तुर्की यूक्रेन की तरफ, अमेरिका की तरफ खड़ा हो गया है। आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग की स्पेशल रिपोर्ट, वॉर अपडेट। जी हाँ, जिसके अंदर हम लगातार पिछले 6 महीने से आपको हर जानकारी दे रहे हैं। अब आपको बता दूं कि हमने पहले ही आशंका जताई थी, रजा ग्राफी ने पहले ही कह दिया था कि तुर्की यूक्रेन का साथ दे सकता है, क्योंकि तुर्की पर इंटरनेशनल पाबंदियों का दबाव है। दबाव ये कि इंटरनेशनल पाबंदियां लग सकती हैं, अमेरिका नाराज हो सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, तुर्की की करेंसी डाउन हो सकती है। ईरान बनना भाई साहब सबके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ ईरान है कि कुछ भी हो जाए। वही एक ऐसा, अब तक तो वाहिद मुल्क वही है, आगे का मुझे नहीं पता, जो अमेरिका के सामने और इसराइल के सामने नहीं झुका। दुनिया भर की पाबंदियां झेल रहा है लेकिन झुका नहीं ईरान। खैर, अब समझ लीजिए, कल की आपने रिपोर्ट देखी हो तो आगे की जानकारी यह है कि तुर्की ने कल ही क्लियर कर दिया था कि वो यूक्रेन के साथ है, लेकिन अब रजब तैयब अर्दोगान ने पूरा वीडियो जारी किया है यूक्रेन के समर्थन में। सन 2014 में क्रीमिया के इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया था और लगभग क्रीमिया के 65-70% इलाके पर रूस का कब्जा है क्रीमिया पर। जी हाँ, तो अब यूक्रेन के ऊपर बयान देते हुए, यूक्रेन का साथ देते हुए रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि हम क्रीमिया पर रूस के कब्जे को नहीं मानते, यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, रूस को क्रीमिया को खाली करना पड़ेगा। दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान अपनी पूरी टीम के साथ यूक्रेन क्या गए कि उनका रवैया, चाल ढाल सब कुछ बदल गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि रजब तैयब अर्दोगान अब मैदान जंग में उतर गए और पूरी तरह से यूक्रेन का साथ देने लगे। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि रशिया और तुर्की सीधे टकरा सकते हैं, दोनों के रिश्ते अब बिल्कुल रेड लाइन पर आ चुके हैं। इसी बीच में पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये देखिए, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए हैं यूक्रेन, कीव पहुंचे और जेलेंस्की से मुलाकात करी और कहा कि सारी दुनिया को यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, पोलैंड शुरुआत से ही मदद कर रहा है और इसी तरह से करता रहेगा। वहीं तुर्की ने बताया है कि यूक्रेन से अब तक उसने 7,21,000 टन अनाज निकाल लिया है और विदेशों में बेच दिया है और उसका पैसा हासिल करके यूक्रेन को वो दे रहा है। सर्बिया और कोसोवो के बारे में आपको याद होगा, सर्बिया के साथ कुछ बड़ा हो गया है। सर्बिया ने बताया है कि उसके एम्बेसी जो अलग अलग 7 देशों में हैं, जैसे ईरान, आर्मेनिया, इंडोनेशिया, नाइजर, जिम्बाब्वे, गाना, कुवैत और शिकागो, इन 7 देशों के जो ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट थे बैन कर दिया है ट्विटर ने बिना बताए। आपको मालूम है, रूस को सबसे तगड़ा झटका इस हफ्ते ये लगा कि रूस के व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार की बेटी का कत्ल कर दिया गया। ये वो बेटी है, आपको याद होगा, 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था। अब यूएन से रूस ने कहा है कि आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए, हमने तो बता दिया कि कातिल कौन है और इसमें सीधा सीधा यूक्रेन का हाथ है, लेकिन आप अगर सही हैं और आप हम पर यकीन नहीं कर रहे तो आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए, रिजल्ट हमको बताइए। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि वो जो महिला, वो जो लड़की मारी गई है, वो जर्नलिस्ट थी। दूसरी बात, रूस ने कहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका खामोश है, हकीकत यह है कि यूक्रेन का पूरी तरह से इस कत्ल में अमेरिका ने साथ दिया है, जिससे यह साबित होता है ह्यूमन राइट का उल्लंघन खुद अमेरिका ही कर रहा है। वहीं पर यूक्रेन की हालत इस वक्त बिगड़ रही है, भले ही यूक्रेन रशिया पे भारी पड़ रहा है, लेकिन न जाने ऐसा क्या अमेरिका को पता चला है कि अमेरिका ने ऑफिशियली अपने सभी यूक्रेन में रहने वाले अमरीकियों से क्लियर कट बात कह दी है कि जितना जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़कर वापस अमेरिका आ जाइए। दूसरी तरफ एक बार फिर से अमेरिका ने 3 बिलियन मिलिट्री एड का दोबारा से ऐलान किया है कि $3 बिलियन के हथियार और वो यूक्रेन को देगा। वहीं नेटो के चीफ ने भी ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन की ये जंग जहां तक जाएगी
हम तब तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। कमाल की बात यह कि सारी दुनिया अपना ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर लगाकर सारे हथियारों को निकालकर यूक्रेन के हाथ में दे रही है और एक तरफ अकेला रशिया इसका डटकर सामना कर रहा है। जिस प्रकार रूस के खिलाफ सारी दुनिया इस वक्त इकट्ठा हो गई है, रूस को ये 2 ही दिन में जंग हार जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे तैसे अभी तक रूस टिका हुआ है, ये बड़ी बात है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा अपनी मोहब्बत की, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, उनकी सोशल मीडिया पर वीडियोस, फोटोज, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो गई थी, लेकिन हाँ, इनकी वीडियो वायरल हुई थी डांस करते हुए। आई बात समझ में? और ये भी क्लियर हो गया कि इन्होंने नशा वशा कुछ नहीं किया था। हाँ, वो यहाँ भारत में होता है कि नकली और सस्ती कच्चा बादाम करने वाली, वो भारत की, वो हमारे हिंदुस्तान की वो नहीं, अंजलि अरोड़ा कच्चा बादाम। हाँ जी, कच्चा बादाम, ऐसा इनका बादाम पका कि इनका वीडियो वायरल हो गया, वो भी पॉर्न वायरल हुआ, सेक्स एमएमएस वायरल हुआ, आपको पता है ना। जी हाँ, अब हटाइए इनको, अब सोचिए एक सस्ती इन्फ्लुएंसर्स, हाँ, वायरल हो जाती हैं घपाघप करके, तो हमारी मोहब्बत किसी देश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कोई वीडियो डांस करता हुआ वायरल हो गया, भाई ना वो मुसलमान, ना उनके यहाँ डांस हराम, उनके यहाँ तो नॉर्मल है, अब वो डांस कर ले तो ऐसा मतलब क्या बवाल हो गया। लेकिन खैर, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने देशवासियों से माफ़ी मांग ली है और देशवासी काफ़ी खुश हैं, और वो इनके वीडियो वायरल होने से ज़्यादा दुखी भी नहीं थे, क्योंकि भाई उनके यहाँ डांस वांस उसमें बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा उछलो नहीं कि रजा भाई की मोहब्बत ख़राब निकली, नहीं नहीं हमारी वाली बहुत बढ़िया है भाई साहब, तुम अपना कच्चा बादाम संभाल लो। भाई आपको बता दूं कि साउथ कोरिया ने बताया कि 2 रूस के फाइटर जेट बॉम्बर हमारे स्पेस में घुस गए थे, हालांकि वो अपने आप वापस चले गए, लेकिन रूस पर इस वक्त सारी दुनिया इसी तरह से नज़र गड़ा के बैठी है। वहीं पर आपको बता दूं, यूरोपीय यूनियन, यूरोप यूनियन जो है, यानी यूरोपीय देशों का जो ग्रुप है, उसने ऐलान किया है, इमैनुअल मैक्रोन ने खुद बताया है कि यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से यूक्रेन का हर तरह से आखिर तक साथ देने को तैयार है। वहीं आपको बता दूं कि कनाडा ने बड़ा स्टेप उठाया है और रूस के डिफेंस सेक्टर के और व्लादिमीर पुतिन के कुछ करीबी उन 16 से 17 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं यूक्रेन के 3 सैनिकों को जैसे तैसे यूक्रेन ने आज़ाद करवाया, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने बताया कि रूस ने उन्हें किडनैप कर लिया और उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, उनको हद से ज़्यादा परेशान किया गया, ऐसी हालत कर दी गई थी कि मौत ज़्यादा बेहतर थी। खैर, अलग से बयान कॉपीराइट के चलते नहीं दिखाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया ताकि इससे आपका वक्त बचे और हम कॉपीराइट से स्मार्ट। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि जिन यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने गिरफ्तार किया है उनका जेल में जाना तय है, क्योंकि रूस की जो बैक सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं से उनको, जैसे भारत में, सिंपल कर देता हूँ प्रशांत मोदी, जैसे बीजेपी फर्जी केसों में फंसा देती है, अब मुनव्वर फारूक की हो या कोई और बंदा हो, 4 साल पुराना वीडियो उठा के जैसे मर्जी कोई भी अपने हिसाब से इल्ज़ाम लगा के जेल में फंसा देती है बीजेपी, वैसे ही इल्ज़ाम है कि रूस भी यूक्रेन के सैनिकों को फंसा के रखेगा और उनको सजा रोक दिलवाएगा। इंडिपेंडेंस डे यूक्रेन का आ रहा है, मैंने कल आपको बताया था, अब जेलेंस्की ने धमकी दी है वीडियो के जरिए, आपकी स्क्रीन पर वीडियो और ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वीडियो के माध्यम से धमकी दी है कि अगर हमारे इंडिपेंडेंस डे पर रूस ने कोई भी हमला किया तो हम अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला रूस की तरफ करेंगे। वहीं रूस ने मारियोपोल में यूक्रेन के बॉयलर हाउस को उड़ा दिया, देखिए। अब आपको एक और बड़ी बात बता दूं, कजाकिस्तान के फौजी भी यूक्रेन की मदद के लिए पहुंचे, आपकी स्क्रीन पर देखिए, और ये रही स्क्रीन पर उन फौजियों की तस्वीर, ये देखिए, हाथ पे, बाजू पर कजाकिस्तान के सरकार का और कजाकिस्तान आर्मी का लोगो है, यानी कजाकिस्तान की आर्मी इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है और यूक्रेन का साथ दे रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दूसरी तरफ रशिया के अंदर ही कई सारे रूस के दोस्त हैं, यानी रूस की कंट्रीज जिसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है रूस का, वो ज़बरदस्त अभ्यास कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें ईरान है, कजाकिस्तान है, आर्मीनिया है, कई सारे देश शामिल है और ज़बरदस्त इसमें अपनी ताकत दिखाई है सबने।
कहा जाता है कि जापान भी रशिया का दुश्मन है, क्योंकि जापान अमेरिका के बेहद करीब है। तो जापान के पानी के इलाके के बेहद करीब रूस ने अपना खतरनाक परमाणु बॉम्बर उड़ाया। वो तस्वीर हमारे पास मौजूद है भाई साहब, हम दिखाएंगे आपको, देखिए। दोस्तों वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। ये समझ लिए पिछले 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है 10 मिनट में बता दिया है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजोग्राफी। जय हिंद।